हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने हरियाणा की सीटों के लिए लिस्ट जारी कर दी है। इन लिस्ट में एक नाम है नौकचंद चौधरी का, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पुनपाना विधानसभा सीट से टिकट दिया है। मेवात में नौकचंद को लेकर चर्चाएं हो रही है। आइए जानते हैं लंदन से लाखों की नौकरी छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली नौकचंद के बारे में। क्या है उनकी खासियतें और किस लिए दिया गया उन्हें टिकट। उन्होंने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से दो विषय में परास्नातक करके लंदन से आगे की पढ़ाई की। लंदन में 3 साल रहने के दौरान वहां उन्हें काम करने और करियर बनाने के कई ऑफर मिले। पुनहाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही नौकचंद के लिए राजनीति की दुनिया एकदम अलग नहीं है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा कॉलेज से पढ़ाई की और इस दौरान वो छात्र राजनीति में भी रहे। मिरांडा हाउस से पढ़ाई खत्म करके वो 3 साल के लिए लंदन चले गए और यहाँ जाकर वो पौंड में कमाने लगे। भारत के लिहाज से लाखों की नौकरी थी। लंदन में 3 साल तक काम करने के दौरान उन्हें अपने वतन की फिर से याद आई। उन्हें लगा कि उनके घर को, उनके परिवार को और उनके राज्य को उन जैसे लोगों की जरूरत है। बस यही सोचकर वो वापस इंडिया आकर काम करने लगी। नौकचंद के पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो उनकी माँ एक IAS और पिता रिटायर्ड जज हैं। शायद यही वजह है कि महज 26 साल की उम्र में नौकचंद ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और अपने ही क्षेत्र से आकर चुनाव भी लड़े। बताया जाता है कि नौकचंद 10 भाषाएं जानती हैं। उन्हें लंदन से 1 करोड़ रुपए सालाना वेतन का ऑफर मिला था, जिसे ठुकरा कर वो प्रदेश की सबसे पिछड़ी मानी जाने वाली विधानसभा पुनहाना से चुनाव लड़ रही है। यहाँ उनके सामने बड़े बड़े दिग्गज होंगे, जिनके सामने नौकचंद को अपने आप को साबित करना होगा। न्यूज़ डेस्क।